कांगड़ा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसंपर्क अभियान के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम उनका है। कांगड़ा में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया है। कांगड़ा के जसूर में जनसभा को संबोधित भी किया है। ब्रजेश्वरी माता मंदिर और मां ज्वालामुखी के दर्शन पूजन भी किए हैं। खबर है कि शाम को 6:30 बजे हमीरपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होगी, जिसमें शामिल होंगे जेपी नड्डा। क्योंकि हिमाचल के दौरे पर है 3 दिन के, इस क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा पहुंचे। कांगड़ा में भी खास तौर से जसूर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने, बता दें आपको, जनसभा को संबोधित किया। साथ ही खबर है कि कांगड़ा में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया है। ब्रजेश्वरी माता मंदिर और मां ज्वालामुखी के दर्शन पूजन भी किए हैं और अब उनका अगला कार्यक्रम है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का, जो कि शाम को 6:30 बजे हमीरपुर में होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 2014 के पहले क्या तस्वीर? 2014 के पहले भ्रष्टाचार से युक्त पार्टियां, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार, स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल। आज स्कैम से निकल करके स्कीम पर पहुंच गई। मोदी जी के स्कीम अब आगे और स्कीम के माध्यम से आगे भ्रष्टाचार से युक्त के साथ साथ पॉलिसी पैरालिसिस। आज हम पॉलिसी पैरालिसिस से निकल करके मजबूत सरकार, दमदार सरकार, निर्णायक सरकार, मोदी सरकार की लेकर के हम